हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज एंड कंसेप्ट एंड डिबेट्स। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम पैटर्न कि इसका पेपर कैसा आता है, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट है, वैसे तो 6th सेमेस्टर में दिया जाता है, बट ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी जल्दी 2nd सेमेस्टर में दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो जरा देख लेते हैं, पहली यूनिट है आपका व्हाट इज द आईआर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्गेन्स। मतलब आईआर का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस। आईआर जहाँ भी यूज हो इसका मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, रीडिंग द बिग बैंग्स है ना, ड्यू कॉलोनियल अकाउंट्स, अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजी ऑफ आईआर डिसिप्लिन इन इंडिया। यूनिट 2 में पढ़ोगे थ्योरीज ऑफ आईआर, इंट्रोडक्शन टू आईआर थ्योरीज, इसमें कौटिल्या न्यू रिलीजियम, कौटिल्या का सिद्धांत रहेगा, मार्क्सिज्म रहेगा, फेमिनिज्म रहेगा, ये सब आपका रहेगा। यूनिट 3 पढ़ोगे आप कंसेप्ट पावर सोवरेनिटी एम्पायर इंटरनेशनल ऑर्डर। यूनिट 4 में पढ़ोगे आप एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज ग्लोबल आईआर ए रेशनल टर्न। ठीक है, तो ये सारा आपका रहेगा, 4 यूनिट का पूरा सब्जेक्ट है 2nd सेमेस्टर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा आप नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका बेस्ट फेलियर सिद्धांत की व्याख्या करें और इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उद्भव से संबंधित करें। सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसका क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। हमें आईआर का अध्ययन क्यों करना चाहिए, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस। आईआर के सिद्धांत पर चल रही बहस के बारे में चर्चा करें। कैंट वोल्ट सिद्धांत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। चौथा, हंस द्वारा दिए गए शास्त्रीय यथार्थवाद पर एक लघु निबंध लिखिए मार्गेंटाओ का, मार्गेंटाओ का यथार्थवाद का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा, आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की जाँच करें, कैसे नारीवादी आईआर पर मार्गेंटाओ के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। छठा, आपका आईआर पर उदार सिद्धांत की मुख्य धारणाएँ क्या है। सातवां, कैसे नव उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांतों से अलग समझता है, संक्षेप में समझाइए। आठवां, विश्व राजनीतिक व्यवस्था में इमैनुअल वॉलरस्टीन की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए, बताइए कि विश्व की राजनीति कोर और परिधि के बीच कैसे विभाजित किया जाता है। नौवां है, आईआर पर मार्क्सवादी सिद्धांत पर एक लघु निबंध लिखे। दसवां, नारीवादी दृष्टिकोण से आईआर सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ग्यारहवां, आईआर में नारीवादी पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें। बारहवां, आईआर में रचनावाद की सैद्धांतिक नींव की स्थापना के लिए सबसे प्रभावशाली योगदान क्या है, कौन से पृष्ठभूमि कारक रचनावाद के उदय को प्रायोजित करते हैं। तेरहवां, रचनावाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नई अंतर्दृष्टि कैसे प्रदान की। चौदहवां, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। पंद्रह, संप्रभुता की अवधारणा को परिभाषित करें और इसके सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करें। सोलहवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विचारों को परिभाषित करें, शीत युद्ध के बाद के युग में हम किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जी रहे हैं। सत्रहवां, पारंपरिक आईआर में पश्चिम के संकीर्णतावाद का मुख्य कारण। अठारहवां, वैश्विक आईआर पश्चिमी और गैर पश्चिमी आईआर के बीच की खाई को कैसे पाड़ता है। उन्नीसवां, रिलेशनल आईआर पारंपरिक आईआर में संकीर्णता को कैसे चुनौती देता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जरा इसके एग्ज़ाम पैटर्न में आपको दिखाता हूँ इसका पेपर कैसा आता है। ठीक है, देखिए ये 4th सेमेस्टर का पेपर है, बट उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का सिलेबस एक है। ठीक है, इसे काटिए, दोनों का सिलेबस एक है। जो 4th सेमेस्टर वाले जो CBCS के स्टूडेंट हैं उनके पास भी यही सब्जेक्ट है, बट ये सब्जेक्ट अब 2nd सेमेस्टर में दे दिया गया है। ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे, हो सकता है 5 भी करने पड़े। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जटिल अंतर्निर्भरता से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तीसरा आपका है जे एन टिकनर यथार्थवादी सिद्धांत का विश्लेषण कैसे करती है, विवेचना कीजिए। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विश्व व्यवस्था सिद्धांत के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। पाँचवा, 1945 से 1962 तक शीत युद्ध के विकास की विवेचना कीजिए। छठा, भारत की विदेश नीति के मूल निर्धारक क्या है, प्रासंगिक उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। सातवां, विश्व राजनीति में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। आठवां, निम्नलिखित की 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निर्भरता का सिद्धांत, विश्व राजनीति में जापान, सोवियत संघ का पतन,
नव यथार्थवाद और नव उदारवाद का मध्य अंतर। तो ऐसे पेपर आएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।